বিসমিল্লাহ রহমান রহিম, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। तो गाइस, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं, जिसे हमें तो उसका इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि सजाद भाई को उस वीडियो के बारे में बहुत नॉलेज था, क्योंकि सजाद भाई काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश की हिस्ट्री को हमसे ज़्यादा सजाद भाई बेहतर जानते हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद सजाद भाई से इस वीडियो के बारे में उनका रिव्यू लेंगे कि सजाद भाई क्या कहते हैं। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था आज के आप इस वीडियो में लाजमी आएँ, और मैं स्पेशली आया हूँ। उन्होंने कहा था ट्रेलर आया है जी कोई फिल्म का, मुजीब एज यू ऑल ऑफ नो के बांगा बांधू शेख मुजीबुर रहमान द मेकिंग ऑफ अ नेशन, इस फिल्म का उन्होंने टाइटल दिया, जिन्होंने एक कौम बनाई थी बांग्लादेश, जिन्होंने बनाया बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो लड़े थे। तो फिल्म का जो ट्रेलर है, अब इन्होंने इसलिए इन्वाइट किया, अगर तो ये स्पेशली बांग्लादेश का होता, फिल्म बांग्लादेश की तरफ से होती, तो डेफिनेटली ये खुद ही देख लेते, इसमें कुछ जो भी होता वो हम डिस्कस कर लेते। लेकिन इधर इंडिया की भी साथ इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया का भी साथ, मतलब कोऑपरेशन के साथ बनाई गई है ये फिल्म, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर मतलब इसके ऊपर काम किया। तो इसमें क्या कुछ हो सकता है, पाकिस्तान से रिलेटेड होगी डेफिनेटली, तो इसलिए स्पेशली इन्होंने कहा था कि आप ज़रूर आएँ इस ट्रेलर को देखें कि क्या इसमें कोई पाकिस्तान अगेंस्ट कोई बात है या कोई चीज़ें हैं, तो वो हमें बताइएगा, तो पॉइंट आउट उनको कीजिएगा। तो चलें, पहले सबसे पहली बात तो ये कि पहले ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर देखकर हमें पता लगेगा कि ये फिल्म जो है किस चीज़ की अक्कासी करती है, ये रियलिटी पर बेस है या फिर इसमें कुछ अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं वो भी ऐड की गई हैं। तो पहले ट्रेलर की तरफ चलते हैं, बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं प्ले करता हूँ ट्रेलर। हमें बंगाली, हमें मानुष, हमें मुसलमान, एक बार मरे दो बार मरे ना। निशीर बाताश कहार हुताश। But the new nation of Pakistan will have one national language, Urdu. राष्ट्रभाषा बांग्ला। अभी तुम्हारे एक पुतुल घर दिलाऊं। धानमंडी। हमें मानते हमें। যে আমাদের প্রজাতন্ত্রের দুইটা আলাদা প্রদেশ হতে হবে, পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব বাংলা। গণতন্ত্র যদি প্রতিষ্ঠা না হয় তাহলে তো পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার কোনো উপায় থাকবে। উল্টো বলছে পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনে সে 20,000 বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করবে। ওশেদ, এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। जी गाइज, ये थी आज की वीडियो। तो ट्रेलर हमने देखा है, सजाद भाई से पूछते हैं, तो सजाद भाई को ये ट्रेलर कैसा लगा है और इसमें क्या ऐसी बात है? जी बिल्कुल, ट्रेलर आया जी मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन, तो फिल्म का ट्रेलर आया था, तो मैं इसके ऊपर अब ट्रेलर देखने के बाद जो बात करूंगा, जो देखूंगा, जो रियलिटी है उसी के ऊपर बात करनी चाहिए, उसी को आगे लेकर आना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बात की, जो बात स्टार्ट हुई थी वो हुई थी नेशनल लैंग्वेज से, कि जब पाकिस्तान में कायदे आजम ने डिक्लेयर किया कि उर्दू इज़ ओनली लैंग्वेज, कि उर्दू जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ उर्दू होगी, तो वहाँ से 1952 में जो प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर तहरीक शुरू हुई, ये सारा कुछ मामला जो है वो चलना शुरू हुआ। फिर 1971 तक इसके ऊपर काफ़ी शेख मुजीबुर रहमान साहब ने 6 नकात भी पेश किए, लेकिन उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब एक पूरी जो तहरीक चली थी इस फिल्म में वही दिखाया गया है कि ज़ुबान की बेस के ऊपर, लैंग्वेज के इशू के ऊपर जो है वो उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की। फिर पीपल पार्टी का भी बीच में जो तब के जुल्फकार अली भुट्टो थे, इधर जो अवामी पार्टी है उसके शेख मुजीबुर रहमान लीडर थे, उसका भी जिक्र उन्होंने दिखाया गया इस वीडियो में। तो इस वो स्पीच भी उनकी शो करवाई है बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ ये कि जो अब इंडिपेंडेंट जो आज़ादी की स्पीच हुई थी वो बंगला में हुई थी और इधर इन्होंने इंग्लिश में दिखाया, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा वीडियो के अंदर। बाकी ये है कि इसमें लास्ट जो सेंटेंस था, आखिरी जो जुमला था कि भारत
बांग्लादेश भाई भाई। अगर तो ये भाई भाई होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये जुमला इन्होंने आई थिंक के जस्ट फॉर ये फिल्म के अंदर ही ये जो लाइन है ये आई गई है, बाकी किसी भी स्पीच के अंदर मैंने वैसे नहीं सुना कि शेख मुजीबुर रहमान ने कोई ऐसा जुमला कहा हो। लेकिन क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश को प्रोडक्शन है ये, तो इस वजह से उन्होंने लास्ट जो जुमला बोला है वो बोला है कि इंडिया बांग्लादेश भाई भाई हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के अभी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। मूवीज़ में आप जितना मर्जी प्यार शो कर दें, हमें यह भी पता है कि जब मोदी जो है वो बांग्लादेश में जाता है 50 बांग्लादेश की गोल्डन जुबली पर, तो वहाँ पर लोगों का क्या रद्द अमल होता है, वहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे प्रोटेस्ट करते हैं। और जब भारत बांग्लादेश को ज़रूरत होती है ऑनियन की, प्याज की ज़रूरत होती है, तो भारत बंद कर देता है। टीस्टा रिवर का इशू चल रहा है, टेरिटरी जो है उसका डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनके बीच में जो है वो अच्छी नहीं चल रही। लेकिन क्योंकि ये एक फिल्म है तो इस इधर उन्होंने अच्छे रिलेशन शो करवाए होंगे इस फिल्म के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के, और पाकिस्तान का अभी कोई इधर खातर खा ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसा उन्होंने दिखाया नहीं है कि जिसके ऊपर मैं कहूँ कि नहीं यार ये गलत है इसमें, क्योंकि ये सारा कुछ ऐसे ही हुआ था जैसा इन्होंने मूवी में दिखाया है। हिस्ट्री यही थी कि यही कुछ हुआ था इस तरीके से, लेकिन जब पूरी फिल्म आएगी उसके अंदर ये प्लानिंग कैसे हुई, ये किस तरीके से हुआ, लेकिन ये तो जाहिर है क्रेडिट जाता है शेख मुजीबुर रहमान जो है उनको हम भी सपोर्ट करते हैं। हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि 1971 में उनकी अक्सरियत थी, वो उन्होंने वन किया था, तो उनका हक बनता था कि वो पूरे पाकिस्तान को लीड करें, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उनके साथ तब ज्यादती हुई थी, जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके साथ भी तब कुछ ज्यादतियाँ हुई थी। वो ज्यादतियाँ ये थी कि उनका जो हक था उनको वो पूरे तरीके से नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी, नेशनल लैंग्वेज का इशू चल रहा था, उसके साथ साथ कुछ बिरूनी साजिशें भी इसका हिस्सा थी, कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर थी। ये सिर्फ ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान इधर जो वेस्ट पाकिस्तान था, मैं कहता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जो इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किया था उधर, और जो इधर वेस्ट पाकिस्तान था, इधर अवाम को ये बताया जा रहा था कि भारत ने उधर हमला कर दिया और हम उसको जो है वो डिफेंड कर रहे हैं, उनके साथ हमारी जंग चल रही है। हालांकि ये जंग हमारे अंदर अपनी ये अपने भाइयों के साथ चल रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पर जो है तब गलत काम किया गया था उस टाइम पर। लेकिन इस जब ये पूरी फिल्म रिलीज होगी, इस पूरी फिल्म को देखा जाएगा तो फिर जो होगा फिर सामने आएगा कि आखिर ये पूरी फिल्म जो ट्रेलर जो है वो रियलिटी के ऊपर लगा है। ट्रेलर जो है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूँ कि हाँ यार ये गलत है, क्योंकि आपने कुछ अपनी तरफ से जो मूवी आपने बिल्कुल परफेक्ट वो नहीं करनी होती, बिल्कुल आपने ये स्टोरी बनानी होती है तो आपने अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, कुछ चीजें ऐड भी करनी है। ट्रेलर में उन्होंने वही चीजें दिखाई हैं जो पॉजिटिव थी इसमें। हाँ, इसमें वो थी कि जी नेशनल लैंग्वेज बंगला लैंग्वेज को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट होता है, फिर वो सारा कुछ आगे चलता है, मिलिट्री का कुछ दिखा रहे हैं कि कैसे। लेकिन अब भी जब पूरी फिल्म रिलीज होगी तो तब फाइनल होगा कि ये फिल्म जो है वो किस चीज़ की, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ये है कि मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन टाइटल बिल्कुल ठीक है, और इसमें अरिफन शोवू जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो अपना रोल प्ले करें कि मेन किरदार जो हैं वो वही प्ले करने वाले हैं, तो फिल्म मेरे ख्याल में एक अच्छी होने वाली है। लेकिन ये जब रिलीज़ होगी तो इसमें किस तरीके से, मतलब कायदे आज़म का क्या रोल शो करवाया गया है, क्या वो पाकिस्तानियों को हर्ट तो नहीं करेगा, क्या वो किसी मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसमें कुछ ऐसा तो नहीं ऐड किया गया कि जो तब नहीं हुआ था लेकिन इस मूवी में वो दिखाया गया हो। तो ये जब पूरी फिल्म आएगी तो वो देखने के बाद डिसाइड होगा। लेकिन हम इस चीज़ को हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान था तब तो वेस्ट पाकिस्तान की ज़्यादती थी, गलत हुआ था, इस चीज़ को हम सब एक्सेप्ट करते हैं एज अ पाकिस्तानी। इधर बैठ कर हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो तारीख की बहुत बड़ी गलतियाँ थी, जो उनमें से सबसे बड़ी गलती आई थिंक कि ये भी हो सकती है कि जो हमने अपने भाइयों के ऊपर तब जुल्म किया और जिस तरीके से हमने उनके साथ रवैया रखा, हमारे जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे उनका जिस तरीके से रवैया था तो वो बिल्कुल भी सही नहीं था। बाकी वीडियो रिलीज होती है तो फिर इसको देखते हैं मुकम्मल। बिल्कुल गाइज, तो गाइज आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। सजाद भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने
टाइम निकाल के हमारे लिए हमारे पास आई हैं, इसके ट्रेलर के ऊपर इन्होंने अपनी रोशनी डाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें अपना बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।